अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं हूं शेफ बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद छोटा शेफ। तो व्यूअर्स, आज छोटा शेफ आज आपके लिए लाया है बड़ी यूनिक रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी, शानदार रेसिपी। आज की रेसिपी का आगाज़ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फरमान के साथ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। तो व्यूअर्स, छोटे शेफ की आज की रेसिपी बड़ी कमाल की रेसिपी, बड़ी शानदार रेसिपी, बड़ी यूनिक रेसिपी है। जब आपको हल्की फुल्की भूख लगी और आपका कुछ झटपट से स्पेशल खाने को दिल करे तो इंजॉय करें चाइनीज़ पकोड़ा के साथ। ये एक शानदार टी टाइम स्नैक है। आइए देखते हैं हमें चाइनीज़ पकौड़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने लिया चाइनीज सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, क्यूमन सीड एंड कोरिएंडर मिक्स पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये मेरा होममेड अनमोल गरम मसाला, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिली, वन अनियन। यहाँ पे हमने लिया है ऑल पर्पज फ्लोर, कैबेज लिया है। तो बस हम चाइनीज पकौड़े का बैटर बनाएंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। चाइनीज सॉल्ट हाफ टी स्पून, मिक्स मसाला 1 टीस्पून, अनमोल गरम मसाला 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने ग्रीन चिली लिया 4 से 5 अदद, इसको बारीक बारीक काट के हम वो डाल लेंगे। यहाँ पे हमने 1 अनियन नॉर्मल साइज का लिया, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हमने 3 टेबलस्पून भर के ग्रीन कोरिएंडर लिया, इसको डाल लेंगे। ये हमने ऑल पर्पस फ्लोर लिया जो 1 कप से ऊपर है, हम इसको ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करूँगा और इसको मिक्स करूँगा। तो व्यूअर्स, माय बैटर इज रेडी। हमारा बैटर इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा थिक। तो व्यूअर्स, मैंने पैन को चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है और इसके अंदर हमने 2 कप ऑयल ऐड करने हैं। तो व्यूअर्स, अब हम ऑयल का गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा बैटर ऐड करके इसको चेक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हमारा बैटर ऊपर आ गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यूँ बैटर लिए, यूँ करें और ऐसे यूँ डाल दें। तो व्यूअर्स, हम इसको लो फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो व्यूअर्स, हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं।
तो व्यूअर्स माय पकोड़ाज आर रेडी, दिस माय वीडियो स्पेशल फॉर तैयब चाचू। मेरे चाचू जान को कैबेज पकोड़ा बहुत पसंद है। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।